हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत। तो भाई, हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का क्या ले भी काम तमाम कर लिए थे। हम ये जो यूनिट है आपका 14 नंबर, उसमें से हमने पूरा अच्छे से चैप्टर नंबर 3 को फिनिश कर लिया था, और 7 नंबर जो आने वाले हैं उसका आधा जो पोर्शन बच गया उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले। मतलब हमारा जो आज का चैप्टर क्या रहेगा बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान का आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय नंबर 18 के बारे में, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है आपके 10th साइंस का भाई। ठीक है, तो उसमें क्या है सर? उसमें हमें देखना है किसके बारे में, ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, मतलब जितने भी एनर्जी है उसके बारे में जानना है। क्या होती है सर एनर्जी? एनर्जी किस फॉर्म में है? एनर्जी के कितना कितना बारे में हमें जानना है? कहाँ से एनर्जी मिलती है? जो कि बहुत ही बेसिक्स है, जो कि हम लोग पढ़े पर्यावरण में पढ़े हैं। पर्यावरण जो कि बहुत पहले से आप पढ़ते आए भाई, 6वीं 7वीं 8वीं से उसको पूरा चर्चा करते आप आए ही है। ठीक है, ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज़ इजी अवेलेबल हो जाएगी। पीआईक्यू डील कर देंगे हम लोग, तो आपको और अच्छे से इसमें आसानी मिल जाएगी, और 3 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मुट्ठी में रहेगा भाई। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते, लेट नहीं करते भाई। तो आपको तो पता ही है किसके बारे में, पूरा पता है आपको, सौर जो एनर्जी है, सूर्य के द्वारा एनर्जी आता है उसका यूज कहाँ होता है सर? सोलर पैनल है ना। सोलर पैनल का यूज करके आप क्या कर रहे हो आज? आज आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, विद्युत ऊर्जा क्या कर रहे हो भाई इसका? तब देखो, सौर ऊर्जा का कैसे आप विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर रहे हो, ये आपका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है सोलर पैनल से भाई। उसके बाद पता चलता है सर कि जो समुद्र से आने वाली जो क्या है भाई, समुद्र नदियों से जो बन रहा है बांध से क्या हो रहा है सर? बांध से विद्युत का कैसे जनरेट करते हैं, पानी को कैसे करते हैं भाई, गतिज ऊर्जा ला के, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर आपको चर्चा करना है किसके बारे में, ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा क्या है इसके बारे में भी जानना है। फिर पता चलता है सर हमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन इसके बारे में भी समझना है। तो ये सब का जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगा, और इससे क्वेश्चन भी हम डील करेंगे भाई। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ पता चल गया। अब देखते हैं भाई हमें कि क्या होती है सर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब बोलते ही पता चल रहा है क्या सर, कहीं पर ये चीज़ें रुकी हुई है या फिर स्थिर है, वहाँ से जो कुछ एनर्जी मिलती है उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा एवं स्थिति की ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं भाई। ठीक है, अब ये बोलता हूँ सर इसके अंतर्गत क्या क्या बोल सकता हूँ मैं। इसके अंतर्गत 2 ऊर्जा आती है, क्या? रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा परमाणु एवं अणुओं के बंधों में संग्रहित ऊर्जा है। जैव भार, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, कोयला संग्रहित रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण है। यहाँ तक की बात समझ में आई भाई? आज आप एलपीजी गैस का यूज़ कर रहे हो, सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, वो भी कहाँ से आया है सर? वो भी रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत है। पेट्रोलियम जिससे आपको गाड़ी चल रहा है, मोटर चल रहा है ना, वो सब पूरा एग्जाम्पल है किसका? रासायनिक ऊर्जा का। और साथ में बात करूँ मैं तो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करूँ, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूँ, मतलब जो बड़ा बड़ा विस्फोट हो रहा है हिरोशिमा, है ना, हिरोशिमा जापान में जो क्या हुआ था, अटैक हुआ था, ये सब का पूरा ये क्या है भाई, नाभिकीय ऊर्जा ही जबरदस्त और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चीज हुआ था तब जाके उस टाइम में 1945 में ये सब का यूज हुआ था। अब ये बहुत हानिकारक भी होती है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या होता है सर, इसमें यूरेनियम परमाणु का नाभिक है ना, नाभिक जो है नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, कुछ उदाहरण भी देख लिए, ये बेसिक जानकारी है भाई, डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ दिया जाए तो आप अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, और क्या होता है सर संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा क्या है? अब यांत्रिक मतलब मैकेनिकल वर्क कैसे होता है इसका एनर्जी का, उसके बारे में देखते हैं। वस्तुओं में बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संग्रहित ऊर्जा जो है क्या होता है सर? बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संग्रहित ऊर्जा जो है संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा में संपीड़ित स्प्रिंग और ये तने हुए रबर और संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा के रूप में इसका उदाहरण है, जो कि कैसा है भाई? अब रबर है, अब रबर वस्तु जो है क्या है भाई, वस्तु जो है नॉर्मल है, खींच रहे हो आप, खींच रहे हो तो क्या हो रहा है उसके यांत्रिक ऊर्जा में काम हो रहा है। कैसे? खींचने पर उसके देखो नॉर्मल स्टेट से वो प्रसार आ रहा है, प्रसार आने के बाद उसमें कुछ एनर्जी लग रहा है। फिर रबर के माध्यम से आप क्या करते हो भाई, तीर कमान चलाते हो, है ना, तीर कमान चलाते हो, और युद्ध भी यूज होता है ये सब चीज़ का। तो ये संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे भाई। और साथ में गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है सर? स्थान अथवा स्थिति की ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा है। किसी जल विद्युत बांध के पीछे के जलाशय में संग्रहित पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब कैसे बात कर रहे हैं भाई, ये बोल रहा है कि सर गुरुत्वीय ऊर्जा की बात करूं तो जलाशय में संग्रहित है पानी, पानी को जैसे ऊपर से नीचे गिरता है तो टरबाइन नाम के कुछ चीज लाते हैं हम मैकेनिकल वर्क में, फिर उसको यूज करके फिर हम पानी से क्या करते हैं भाई, विद्युत का जनरेट करते हैं। तो ये सब गुरुत्वीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, तो यह गतिज ऊर्जा में भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी गिर रहा है सर। ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा का उदाहरण है, जब यह पानी टरबाइन को घुमाने के लिए छोड़ा जाता है तो यह गतिज ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखते हैं सर क्या गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा में तब्दील होने के बाद अब गतिज ऊर्जा होती क्या है इसको देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा यह कण में गति के कारण ऊर्जा है, यह तरंगों, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अणुओं एवं परमाणुओं की गति के
है, यहाँ तक की बात समझ में आई। मोशन, मोशन मतलब क्या, चलने से, अणुओं के चलने से, गति करने से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे मैं गतिज ऊर्जा बोलूंगा। उसके अंतर्गत मुझे पढ़ना है विकिरण ऊर्जा के बारे में, रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी हमने पढ़ा था भाई चैप्टर नंबर 3 में, इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है ना। अब यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो अनुप्रस्थ तरंगों में गति करती है, अनुप्रस्थ तरंगों में गति करती है। विकिरण ऊर्जा जो है दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा किरण तथा रेडियो किरण शामिल है। सूर्य की ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के सबसे बड़ा उदाहरण है। अब भाई किसी का हाथ पैर टूट जाए, बोलते हैं एक्सरे के लिए गया है, एक्सरे बोलते ही पता चल रहा है सर, रे मतलब किरण, एक्स मतलब भाई उसका नाम दिया गया है। अब एक्सरे होता क्या है सर, ये विकिरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है। विकिरण ऊर्जा भाई मतलब चलने वाली एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। कणों का जो चलना है, विकिरण जो ऊर्जा है वो कैसे आता है सर, मेन रूप से आता है सौर ऊर्जा से, ठीक, बात समझ में आया। और तापीय ऊर्जा क्या है सर, टेम्परेचर। तापीय ऊर्जा पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है, यह पदार्थ के भीतर परमाणु एवं अणु के कंपन एवं गति है। भूतापीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है भाई। टेम्परेचर वाली जो ऊर्जा है वो क्या है भाई, भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, गति ऊर्जा। किसी वस्तु अथवा पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना गति है, और पवन एवं जल के विद्युत के उदाहरण है भाई। ये बात समझ में आई, गति ऊर्जा बोलते ही पता चल रहा है विद्युत गति के उदाहरण है, पवन मतलब हवा भी गति चलता रहता है, चलने का यानी क्या है भाई, गति ऊर्जा के एग्जांपल है। अब देखो ध्वनि ऊर्जा क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा का अनुदैर्ध्य तरंगों, संपीड़न एवं विलयन में पदार्थों में होकर गमन करता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा क्या होता है भाई, अनुदैर्ध्य तरंगों में। अब अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में और आपको चैप्टर में अच्छे से और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या होता है सर, ध्वनि ऊर्जा का संपीड़न एवं विलयन। अब ये देखो मैं बात करूं, डीजे बजता है, डीजे बजता तो आसपास में देखना कंपन आने चालू हो जाता है, डीजे बजता है और धुमाल बजता है, पूरा क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण करता ही है। अब ये ध्वनि प्रदूषण करता है सर, तो इससे क्या होता होगा, कहीं ना कहीं एनर्जी तो होता होगा भाई, एनर्जी मतलब ऊर्जा का ही सोर्स है ये, ऊर्जा जितना आएगा ये तो क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में या हमारे बॉडी में कंपन चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ये भी एक ऊर्जा का प्रकार है, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अब देखो विद्युत ऊर्जा, बिजली का चमकना एवं विद्युत, विद्युत ऊर्जा के उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन्स की गति विद्युत ऊर्जा है, हमारा लाइट चल रहा है, आप वीडियो देख पा रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं मोबाइल, ये सब विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी बच्चों, जिसको हमें चैप्टर में पढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चन भी करना है, इसके बारे में हमें चर्चा पूरा करेंगे भाई, ठीक है। अब कुछ देखते हैं, MCQs आया होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं सर। वो क्या है भाई MCQs, मतलब देखो क्या क्या आया था, बायोगैस किसके मिश्रण है। अब बायोगैस का यूज़ किस में होता है सर, अब आज बायोगैस का यूज़ कर रहे हो भाई, खाना बनाने से लेकर बहुत ज़्यादा बायोगैस का यूज़ होता है। पूछा गया था 2019 और 2022 में क्या होता है सर, ऑप्शन देखो किसे किसे मिश्रण है, याद रखना, नाइट्रोजन हीलियम हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का है, इथेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है, कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी, मीथेन, याद रखना भाई, CH4 और CO2 और हाइड्रोजन गैस का, ये तीनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है भाई, वो तीनों का मिश्रण ही बायोगैस का निर्माण करता है, ठीक। आंसर नंबर इसका क्या होगा भाई, डी, ठीक। अब देखो जीवाश्म ईंधन है, अब जीव से प्राप्त ईंधन क्या क्या होगा भाई, देखो ऑप्शन देखो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये होगी क्या, ज्वारी ऊर्जा होगी, कि ये जो बिजली का ऊर्जा है वो, पवन ऊर्जा होगी, महासागर तापीय ऊर्जा होगी, फिर भूतापीय ऊर्जा, क्या होगा भाई, सोचो, बिल्कुल सोचो भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं अगर बात करूँ तो इसका आंसर होगा ए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला कहाँ से आया भाई, जीवाश्म ईंधन का ही एक रूप है, इसका यूज पेट्रोलियम का भी यूज करते हैं, खनिज से प्राप्त होता है, खनिज मतलब आपके क्या है भाई, जीवाश्म मतलब बहुत सारे पेड़ों के गलने दबने से जो ईंधन है, पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, वो जमीन से ही प्राप्त होता है ना, और प्राकृतिक गैस जो भी इसका जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है, ठीक। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, सौर सेल जिसके बारे में डिस्कस किया हूँ, ये क्या है भाई, क्या युक्ति है, इसका आंसर बताने की जरूरत है, क्या आंसर है सर इसका, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भाई सौर सेल मतलब क्या, सूर्य से लेके क्या यूज कर रहे हो आप, घर में यूज कर रहे हो विद्युत के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, ठीक। अब देखो बांध के पानी में ऊर्जा किस रूप में निहित होती है, बांध के पानी स्टोर रहता है, स्टोर रहेगा मतलब क्या, स्थित रहेगा, स्थित मतलब स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स थे भाई, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, कौन सा है भाई, हजार बार बोला हूँ मैं इस पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी जब भी चर्चा किया हूँ, हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी कहीं से आता है सर, वो होता है क्या, वो होता है सौर ऊर्जा। तो इसमें जो भी दिखा सौर ऊर्जा लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक ठीक है बच्चों। अब देखो
सूर्य द्वारा, अब हाँ अब देखो उचित संबंध जोड़िए करके भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कैसे कैसे आ सकता है सर? देखो उचित संबंध में, उचित संबंध जोड़िए है ना, ये पूछा गया है। तो देखो भाई क्या पूछा है, सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के लिए क्या करते हैं भाई, यूज होने वाला चीज है वो क्या कहलाएगा सर? सोलर कुकर कहलाएगा, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है उसे क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है उसे ऊर्जा क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम बोलेंगे, ठीक है। देखो आंसर, देखो सेकंड का ई हो गया, पहला का डी था सर, ठीक है ठीक है, पहला का डी था। फिर बायोगैस का मुख्य घटक क्या है भाई, मेथेन है सर, CH4, ठीक। बात समझ में आई भाई, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो गाय गैस से जैसे पशुओं के गोबर का सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन से क्या बनता है भाई, बायोगैस बनता है, ठीक से कौन सा है, चौथा का बी होना चाहिए, देख लो चौथा का बी, ठीक क्लियर। अब देखो क्या बोलता है, ईंधन के जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ईंधन की जलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे भाई, दहन बोलेंगे, दहन सी, देख लो कौन सा नंबर, पांचों का सी, पांचों का सी। नाभिकीय ऊर्जा क्या है भाई, यूरेनियम के द्वारा, यूरेनियम एक तत्व है ना, यूरेनियम को क्या करते हैं नाभिकीय, क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के, बहुत बड़ा ये चीज है, बहुत बड़ा यूज होता है ये, इसके बारे में जब मैं चैप्टर में आऊंगा और तो और अच्छे से बताऊंगा। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखना भाई ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक। ये हुआ आपका कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो एक नंबर के लिए पूछे जाने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से भी है, इसी को दो तीन प्रकार से दे सकते हैं आपके एग्जाम में भाई, हम जो मुख्य रूप से क्वेश्चन थे उसको उठाए थे, आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा भाई, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आई, अब भाई मिलेंगे हम इसके चैप्टर वाले जब क्वेश्चन करेंगे उसमें मिलेंगे, आज के लिए इतना करते हैं भाई, धन्यवाद।